आपने अभी अभी त्याग की बात कही है कि मैंने हमने त्याग दिया है, उसको त्याग देने वाली बात का मामला क्या है? चुनाव में, चुनाव में गठबंधन में शामिल हो गए हैं जी जी। हमारी तैयारी थी 100 सीटों को लड़ाने की जी जी। अब मैंने तो 21 सीट पे संतुष्ट हो गए, इसे भारतीय जनता पार्टी को हटा देते हैं और अखिलेश को नेता मान लिया, और इसलिए मान लिया है 2022 में भारतीय जनता पार्टी हटे और अखिलेश इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अखिलेश जी कब आ रहे हैं आपका प्रचार करने के लिए, कुछ बात हुई है? अखिलेश जी कब आ रहे हैं प्रचार करने के लिए? जब चाहें चले आए, यहाँ कौन सा जसमानगर तो पहले नंबर एक पर आएगा उत्तर प्रदेश में, जब इच्छा हो तब आ जाए, अगर समय हो तो आ जाए, नहीं तो पूरे उत्तर प्रदेश में घूमें, यहाँ से इटावा से भी निश्चित रहें। अब आप लोग आ गए गठबंधन को लेकर के, जब उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर जीत हासिल करेंगे और इसी तरीके से सातों चक्रों में समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है ये प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और फिर अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आपने अभी अभी त्याग की बात कही है कि मैंने हमने त्याग दिया है, उसको त्याग देने वाली बात का मामला क्या है? इस चुनाव में, चुनाव में गठबंधन में शामिल हो गए हैं जी जी। हमारी तैयारी थी 100 सीटों को लड़ाने की जी जी। अब मैंने तो 21 सीट पे संतुष्ट हो गए, इसे भारतीय जनता पार्टी को हटा देते हैं और अखिलेश को नेता मान लिया, और इसलिए मान लिया है 2022 में भारतीय जनता पार्टी हटे और अखिलेश इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अखिलेश जी कब आ रहे हैं आपका प्रचार करने के लिए, कुछ बात हुई है? अखिलेश जी कब आ रहे हैं प्रचार करने के लिए? जब चाहें चले आए, यहाँ कौन सा जसमानगर तो पहले नंबर एक पर आएगा उत्तर प्रदेश में, जब इच्छा हो तब आ जाए, अगर समय हो तो आ जाए, नहीं तो पूरे उत्तर प्रदेश में घूमें, यहाँ से इटावा से भी निश्चित रहें। अब आप लोग आ गए गठबंधन को लेकर के, जब उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर जीत हासिल करेंगे और इसी तरीके से सातों चक्रों में समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है ये प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और फिर अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।